हेलो एवरीवन, आईपीएल डायरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है कुंतल चक्रवर्ती और हम दोनों लगातार आपको प्रीव्यूज दे रहे हैं आईपीएल में होने वाले मैचेस की। तो आज हम जिन दो टीम्स के बारे में बात करेंगे वो इस वक्त अपने आप को फर्स्ट लेग के बाद मिडल ऑफ द पॉइंट्स टेबल में पाती हैं। टीम नंबर 5 पॉइंट्स टेबल के हिसाब से जो कि है राजस्थान रॉयल्स, और टीम नंबर 6 पॉइंट्स टेबल में है पंजाब किंग्स। उनका होने वाला है मुकाबला एक दूसरे से। पहले लेग में कुंतल, पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर शुरुआत की थी जो इंडिया लेग था, लेकिन यूएई लेग में क्या केएल राहुल की टीम वही कर पाएगी? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं बाजी थोड़ी सी मार ली है राजस्थान रॉयल्स ने। पॉइंट्स दोनों के सेम हैं लेकिन ज़्यादा मैचेस खेले पंजाब किंग्स ने, इसीलिए वो नीचे हैं उनसे। देखिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए मुश्किल ये है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो ऐसे हैं जो इस बार नहीं खेल पाएंगे। कई सारे क्रिकेटर्स इस बार रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। इवन लुइस जैसे क्रिकेटर है, देखिए फॉरेनर है क्रिस मॉरिस, लियम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी भी है, लेकिन कई सारे स्टार्स ऐसे हैं जो नहीं खेल पाएंगे, नहीं है टीम के साथ फिलहाल। तो इसीलिए दे हैव टू शेक ऑफ देयर रस्टीनेस, क्योंकि देखिए बहुत महीनों के ब्रेक के बाद आ रहे कई क्रिकेटर्स को खेलने का मौका नहीं मिला। बीच में देखिए CPL तो ज़रूर हुआ है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के सारे क्रिकेटर्स ऐसे नहीं हैं, हालांकि वो पंजाब में भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं टीम के कॉम्पोजिशन में जब चेंज हो जाता है, कई सारे खिलाड़ी नए जुड़ते हैं तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ता है बाकी जो टीम की जो न्यूक्लियस होता है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं इस मैच में मुझे लगता है जो पंजाब किंग्स हैं दे विल बी अ लिल एज है उनके पास एज है, लेकिन यू नेवर नो, 20 ओवर का गेम है तो यू कांट प्रेडिक्ट। ये कुंतल ने सही बात की कि राजस्थान रॉयल्स ने दरअसल टीम तो बहुत पुख्ता बनाई थी। तीन तीन इंग्लिशमैन थे उनके पास, जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो इंग्लैंड के मेन प्लेयर्स हैं ये लोग नहीं आए हैं आईपीएल में, बहुत सारों ने पुल आउट कर दिया, तो इनके चलते राजस्थान रॉयल्स को अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को दोबारा रिवर्क करना पड़ा। लेकिन जहां एक तरफ राजस्थान रॉयल्स को अपनी जो बोलते हैं ना उसको रस्टीनेस को शेक ऑफ करना पड़ेगा, वही पंजाब किंग्स को अपने आप को पूरा ही शेकअप करना पड़ेगा कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद पंजाब किंग्स क्यों नहीं जीत पाते हैं। पिछले साल तो एक मैच मुझे याद आ रहा है कि जिस मैच में पंजाब हैड स्कोर्ड अराउंड 225 स्टिल दे मैनेज टू लूज दैट मैच। यस, मयंक अग्रवाल ने शतक मारे थे उस मुकाबले में, लेकिन राहुल तिवतिया जो है उन्होंने लगभग मुझे लगता है 25-26 गेंदों में अर्धशतक बनाए थे, और एक समय तो ऐसा था कि मैच लगभग हार ही चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम, लेकिन वहां से राहुल तिवतिया ने मैच जिता दिया था राजस्थान रॉयल्स को। तो कहीं ना कहीं पिछले साल से ऐसा लग रहा है कि जीती हुई जो बाजी है कई बार हार चुकी है किंग्स इलेवन की टीम, इस बार पंजाब किंग्स के नाम से खेल रही है ये टीम। तो कहीं ना कहीं चेंज ऑफ नेम, नीड अ लेडी लक, चेंज ऑफ नेम कैन लीड टू चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स। अब ये तो हम सिर्फ तुक्के ही लगा सकते हैं, अब लेडी लक कौन लेके आएगा ये नहीं पता। हालांकि हम सब जानते हैं कि क्या होता है क्रिकेटर्स के पास गर्लफ्रेंड्स का सिलसिला लेकिन एक और ट्रैवलिंग अलोंग विद देम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो परमिशन मिल जाती है क्रिकेटर्स को क्योंकि बायो बबल में भी साथ रह सकते हैं आप। जहाँ तक बात है इंग्लिश जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने डिच किया है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स को, उनमें से एक डेविड मलान भी हैं जो पंजाब किंग्स के साथ थे लेकिन वो भी नहीं पहुँचे, तो उनके ना आने से एडन मर्कम को लिया है। अब एडन मर्कम ने कुल मिला के 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जिनमें उन्होंने 405 रन बनाए हैं। तो जो भी है पंजाब को मिला जुला कर अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स जैसे कि खुद राहुल हो गए, केएल राहुल हो गए, क्रिस गेल हो गए, मयंक अग्रवाल हो गए, उनके साथ बाकियों को परफॉर्म करना होगा तभी कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा, नहीं तो वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे। एडन मार्करम जितना भी मैंने देखा, मैं आई हैव कवर्ड द साउथ अफ्रीका सीरीज इन 2018 इन साउथ अफ्रीका, तो वहाँ मुझे मैंने देखा कि साउथ अफ्रीका के जो वाइट क्रिकेटर्स हैं दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट स्पिनर्स के खिलाफ। तो यहाँ भी देखिए अगर स्पिनर्स के खिलाफ किस तरह का परफॉर्मेंस वो दे पाएंगे ये देखने लायक होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स खेलने वाले थे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वो वाकई स्टार क्रिकेटर्स हैं, तो उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा यहाँ। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, देखिए एकदम लास्ट मोमेंट पुल आउट जब हो जाता है तो आप उसी हिसाब से टीम बनाते हो और उसी हिसाब से आप जो भारतीय क्रिकेटर्स की जो कॉम्पोजिशन होगा टीम में वो भी आप डिसाइड करते हो, क्योंकि आपके पास मान लो कि दो
ऐसे फास्ट बॉलर्स है, विदेशी फास्ट बॉलर, तो फिर आप ज्यादा इंडियन फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते नहीं हो। बिल्कुल, आपको लगता है कि वो दोनों में से एक भी अगर चल गए और दूसरा अगर इंजरी भी हुई तो हम लोग के पास तीसरा कोई है और कोई ऑलराउंडर को उसको वैसे टीम में लिया जाएगा। तो प्लेइंग 11 के कॉम्पोजिशन वैसे डिसाइड होता है जैसे कि फॉरेनर्स आपके पास आए अचानक लास्ट मोमेंट में, इफ समबडी पुल्स आउट तो बाकी सारे कॉम्पोजिशन बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल, तो इस ये जो प्रॉब्लम है राजस्थान रॉयल्स हैज टू गो थ्रू इट, लेकिन इसको कैसे ओवरकम कर पाएगी राजस्थान की टीम ये देखने लायक। और बहुत सारी टीम्स को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, लगभग 7 टीम जो है आईपीएल में उनमें 17 रिप्लेसमेंट आए हैं, जहां आईपीएल साल में दो बार देखने के अपने फायदे हैं, इसीलिए बार बार मेरे को ये मतलब मोबाइल से देखना पड़ रहा है कि व्हाट इज दिस करंट सेट ऑफ स्क्वाड, क्योंकि इतना सारा चेंजेस है पूरे साल भर। बिल्कुल, क्योंकि आप T20 मैचेस होता रहता है पूरे साल भर, देन इंडिया प्लेइंग नंबर ऑफ मैचेस और प्लेयर्स आर चेंजिंग, द कंपोजिशन ऑफ द टीम इज चेंजिंग हर हफ्ते, तो ऐसा लास्ट मोमेंट में पुल आउट, सो इसीलिए बार बार। लेकिन अभी एक अच्छी बात ये है कुंतल की T20 लीग जो हो रही है वो दुनिया के कई कोनों में हो रही है, तो जो ये फ्रेंचाइजीज होती है इनके लिए आसान रहता है कि वो चुन के ले आए कि कौन प्लेयर कौन सी T20 लीग में अच्छा कर रहा है तो वो हमारी टीम के साथ भी जुड़ सकता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी अच्छी रही है। और सबसे बड़ी बात कि इससे जो हुआ है कि एक ट्रू ग्लोबलाइजेशन हुआ है क्रिकेट का, क्योंकि इसी वजह से तो देखिए कि अली खान जैसे ये क्रिकेटर US के लिए खेलते हैं वो भी आगे CPL में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसको आप KKR के टीम में भी आप देखेंगे, तो वैसे ही सिंगापुर के बल्लेबाज भी खेल रहे हैं, हालांकि हाँ वो पाकिस्तान बॉर्न क्रिकेटर है या फिर ऑस्ट्रेलियाई बॉर्न क्रिकेटर हो सकता है, लेकिन सिंगापुर के नेशनल टीम से US के नेशनल टीम से क्रिकेटर्स को आप देखेंगे, संदीप लामिचाने इससे पहले जो नेपाल से खेलते हैं वो भी IPL खेल चुके हैं, तो IPL और अलग अलग जो फ्रेंचाइज लीग है इससे एक ट्रू ग्लोबलाइजेशन देखा गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। ये अच्छी बात है और खासतौर पर T20 के लिए बड़ी अच्छी बात है, धुआंधार वाला फॉर्मेट है और लोगों को बड़ा मजा आता है ये देखने में। अब मेरे पास कुंतल के लिए एक्चुअली बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और शायद वो इसलिए भी दिमाग में आ रहा है क्योंकि थ्रू आउट इस IPL में हम इंडिया का एंगल ढूंढ रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं इसके थ्रू, तो एक बड़ी खबर तो ये है कि विराट कोहली ने ऑब्वियसली आप सब जानते ही हैं कि ना सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी छोड़ी है टीम इंडिया के लिए, RCB की भी कप्तानी छोड़ रहे हैं। अब यहाँ से जो ये यंग कैप्टन्स हैं कुंतल, जैसे कि पंजाब किंग्स के KL राहुल हैं, क्या इन सब पर भी नज़र रहेगी BCCI की, किस तरह के कैप्टन्स हैं छोटे फॉर्मेट के लिए, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के लिए, क्या KL राहुल अगर यहाँ से अपनी टीम को IPL ट्रॉफी जिता देते हैं तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जाएंगे उस पोस्ट के लिए? प्रीति, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि IPL आपको जीतना ही है, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस रही टीम की, हाँ मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि जो सिलेक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि कौन कप्तान बनेंगे, अंडर प्रेशर कैसा किस तरह का परफॉर्मेंस टीम कर रही है, अंडर प्रेशर KL राहुल किस तरह से अप्रोच कर रहा है गेम को, और मान लीजिए कि ऐसा है कि उनको ऐसा लगा कि बाकी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके जो फीडबैक्स हैं वो भी अच्छा है, और अनिल कुंबले जो कोच है पंजाब किंग्स के उनका फीडबैक भी शायद देखा जाएगा कि क्या, और पता चलता है तो कंटेंडर है ना कहीं ना कहीं, 100% कंटेंडर है। तो फिर अब इन दोनों टीम्स के बीच में वापस लौट के अगर मैं आऊँ, KL राहुल ऑब्वियसली उन पे सबकी नज़रें रहेंगी, नॉट जस्ट एज अ बैट्समैन बट ऑल्सो एज अ कैप्टन जैसे कि कुंतल बता रहे थे। दोनों टीम्स की बात करते हैं और हम भी अपनी विनिंग परसेंटेज डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को भी आसान रहे कॉमेंट सेक्शन में ये बताना कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी है। तो इफ़ यू वर टू पिक कुंतल बिटवीन पंजाब किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स, कौन आपकी स्ट्रॉन्ग टीम है, कौन जीत सकती है मुकाबला? पंजाब किंग्स, क्योंकि इस टीम की जो न्यूक्लियस है ज़्यादा कोई चेंजेस कुछ नहीं हुआ है, तो जो सेट टीम पहले रही है फर्स्ट फेज ऑफ IPL उसमें ज़्यादातर कोई चेंजेस नहीं है, एक दो चेंज है बट मोस्टली द सेम टीम, तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि पंजाब इज फेवरेट 55-60 एंड राजस्थान वुड गेट अराउंड 45-40। चलिए मैं 60-40 देती हूँ इन फेवर ऑफ राजस्थान बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द रूल ऑफ ऑड्स, पहला मैच अगर पंजाब जीती थी तो मैं सोच रही दूसरा राजस्थान जीत जाए और मज़ा आएगा, पॉइंट्स टेबल में जो है और थोड़ी हलचल मच जाएगी। तो ठीक है, देखते हैं हम दोनों में से किसकी टीम जीती है, आप किसके सपोर्टर हैं आप ज़रूर नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में लिखिए हमें बताइए, और लगातार इस तरह मैं और कुंतल आपके साथ जुड़ते रहेंगे IPL के दूसरे चरण में और ये सारे प्रिव्यूज़ आपके सामने लाते रहेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।